हाय दोस्तों, 2017 में मेरी पहली सर्जरी हुई थी, जो कि टीबी हो गई थी मेरे को। और टीबी की वजह से मेरी सर्जरी हुई थी और हड्डी मेरी पूरी कोलेप्स हो गई थी, टूट गई थी। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी मेरी, और जिसकी वजह से मेरे मतलब टीबी की वजह से नस दब गई थी। और वो नस बहुत बुरी तरह दब गई थी, जिससे कि मेरे छाती के नीचे पूरा पैरालाइज हो गया था। और जब मेरी पहली सर्जरी हुई, उसके बाद मैं घर पे आया। जब मुझे घर पे लेके आए, 3 4 जने उठा के लाए थे। और क्या कहते हैं, 2 महीने तक मुझे घर पे मैं लेटा रहा था। 2 महीने बाद मेरी धीरे धीरे मतलब मेरे एक्सरसाइज करना स्टार्ट करा, और एक्सरसाइज करता था। यूट्यूब में वीडियो देख देख के, मैं एक्सरसाइज की वीडियो देख के उसमें एक्सरसाइज करा करता था। और लेकिन यार, रिकवरी बहुत बहुत स्लो थी उस टाइम पे ना। मतलब 6 महीने भी हो गए थे मेरे को, 6 महीने तक भी मेरे को इतनी बेकार, मतलब इतना मैं ये वो था कि मैं सही से चल नहीं पाता था, सही से खड़ा नहीं हो पाता था। वाकर लेके भी मैं सही से नहीं चल पाता था, वाकर लेके भी इतना धीरे धीरे और इतनी मुश्किल से चल पाता था, मैं क्या बताऊं। और बहुत ही मुझे रोना आता था उस टाइम पे यार, और कि ये क्या हो गया, मैं कैसे सही होऊंगा, ये क्या हो गया, कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। मुझे पता भी नहीं था उस टाइम पे कि मैं आगे जाके ठीक हो जाऊंगा। मुझे लगता था मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगा कभी। लेकिन एक बार को मैं सोचता था कि हाँ, चल आगे जाके ठीक हो सकता हूँ, और कोशिश करता था अपनी पूरी। और 6 महीने बाद अचानक मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, और मैं किसी बात पर गुस्सा हो गया, एकदम एकदम सीधा मैं उठ गया था। और जिसकी वजह से ना, मेरे सीधा उठने की वजह से मेरे ना जो स्क्रूज लगे हुए हैं, उस टाइम 4 स्क्रूज लगे हुए थे, और उन 4 स्क्रूज में से एक स्क्रूज मेरा थोड़ा सा निकल गया था। तो डॉक्टर के पास गया मैं, मेरी पीठ में थोड़ा थोड़ा दर्द भी होने लग गया था। तो डॉक्टर के पास गया मैं, सफदरजंग हॉस्पिटल जहाँ से मेरी सर्जरी हुई थी। तो उन्होंने उनको बताया मैंने कि ऐसा ऐसा हुआ, और मैं एकदम झटके से उठ गया था और मेरे दर्द हो रहा है पीठ में। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने एक ट्यूब लिख दी थी कि ये लिख दे रहा हूँ मैं, और ये लगा लेना पीठ में। लेकिन मैंने बोला नहीं सर जी, ये अब ये मत लिखो, मतलब कि देखो कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, कहीं स्क्रूज जो लगे हैं। तो कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई बात है, तुम जाओ घर, सही हो जाएगा पीठ दर्द। लेकिन मैंने फिर जबरदस्ती उनसे बोला नहीं सर जी, आप कुछ करके देख लो, कुछ टेस्ट वेस्ट करा के देख लो। तो उन्होंने फिर जाके मेरा, जब मैंने ज़्यादा उनसे वो करा, तो उन्होंने मेरे बोला कि चल कोई नहीं, तुम्हारे उसके लिए ये लो, वो करवा लेना, एक्सरे करवा लेना एक। मैंने चलो ठीक है। और फिर मैं एक्सरे कराने के लिए उसी टाइम हॉस्पिटल के बगल में ही आगे थोड़ा सा एक्सरे का वो था, तो ले गए मुझे घर वाले, और वहाँ मैंने एक्सरे करवाया। और एक्सरे करा के फिर मैं घर पे आ गया। फिर उसके अगले दिन मम्मी गई, वहाँ पे एक्सरे लिया और डॉक्टर को दिखाया। तब एक्सरे में आया कि यार मेरा एक स्क्रूज निकल गया है। तो फिर डॉक्टर ने उसी टाइम बोल दिया कि अब इसका दोबारा ऑपरेशन होगा, और अब 8 स्क्रूज लगाने पड़ेंगे। तो मम्मी घर पे आई और बताया मेरे को। और यार उस दिन मैं इतना रोया था ना, जब मैं पता लगा कि मेरे 8 स्क्रूज लगेंगे और दोबारा सर्जरी होगी, और मेरा बहुत डिप्रेशन में चला गया था। मैं बहुत खाना वाना कुछ नहीं खाया मैंने, 7 8 दिन था तो उस टाइम पे। और 7 8 दिन बाद फिर हॉस्पिटल फिर गया मैं, फिर उन्होंने खून वून टेस्ट जो भी होते हैं, फॉर्मेलिटी होती है, मुझे भर्ती करा। और फिर 1 2 दिन बाद मेरी सर्जरी हुई। और जब दूसरी सर्जरी हुई, तो फिर दूसरी सर्जरी करके फिर हॉस्पिटल में ही था। डॉक्टर ने बोला कि अब सीटी स्कैन करवा के लाओ। सीटी स्कैन करवाया तो उसमें देखा कि फिर से एक स्क्रूज मेरा सही से नहीं लगा था। तो उन्होंने कहा कि एक सही से नहीं लगा है, तो उन्होंने फिर मेरा तीसरा ऑपरेशन करा वहीं हॉस्पिटल में। तो मेरे 3 सर्जरी हुई थी मेरी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार, इसमें ना सर्जरी करने से, करवाने से डरना नहीं चाहिए यार, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। क्योंकि सर्जरी होने के बाद ना हम ठीक हो सकते हैं, और सर्जरी नहीं हुई और नस दबी हुई है, और हड्डी से पूरी दबी हुई है, और वो या टीबी की वजह से नस दबी हुई है और सर्जरी नहीं हुई, तो यार वो कभी ठीक नहीं होगी, अपने आप ठीक नहीं हो सकती। सर्जरी होने के बाद उसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ठीक होने के, 99% चांस हो जाते हैं ठीक होने के यार, 90% से 99%। और जब मेरी तीसरी सर्जरी हुई, तब मेरे अंदर मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखी। फिर मैं घर पे आया ना, तो मुझे फिर अपने पाँव में मेरे को कुछ थोड़ी सी पावर हल्की सी बढ़ी भी लगी 2 महीने बाद। मुझे अंदर से फील हो गया उस टाइम पे कि यार अब लग रहा है मैं ठीक हो जाऊंगा। पता नहीं क्या हुआ, तीन सर्जरी, तीसरी, पहली सर्जरी मेरी इतनी रिकवरी नहीं थी, लेकिन जब दूसरी सर्जरी हुई, तीसरी सर्जरी हुई, तो मेरी रिकवरी एकदम से बढ़ गई। और तीसरी सर्जरी होने के बाद फिर मैं घर पे आया, फिर मैं वैसे ही वाकर पर चलता था। लेकिन ना फिर मेरे को 1 2 3 महीने बाद मेरा मन करता था कि वाकर को मैं थोड़ा सा ना बिना वाकर के चलूँ। तो मैं वाकर को उठा के 1 2 कदम चल लेता था, फिर वाकर रख देता था, फिर वाकर साइड चलता था, फिर 1 2 कदम उठा, वाकर को ऊपर उठा के फिर 1 2 कदम चल लेता था। ऐसे करके मेरी रिकवरी बढ़ रही थी। और मैंने कहा यार अब रिकवरी हो रही है, तो मैं और कोशिश करता था, और एक्सरसाइज करता था। जैसे जैसे रिकवरी मेरी बढ़ रही थी, तो मेरे अंदर भी और वो आ रहा था कि यार और ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, और एक्सरसाइज करूँ और वॉकिंग करूँ। तो मैं ज़्यादा ध्यान उसी में देता था।
और फिर मेरा अपना भी मन करता था कि यार मैं बिना वाकर के भी चलूं, और धीरे 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 2 ढाई साल बाद मेरा वाकर छूट गया यार, भगवान की कृपा से मेरा वाकर छूट गया। और फिर और भी बहुत परेशानियां थी जो कि मेरी धीरे धीरे ठीक हुई हैं, और अभी आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि मेरी कितनी सर्जरी हुई। मेरी 3 सर्जरी हुई थी, और किसी भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार सर्जरी करवाने से ना डरें, क्योंकि सर्जरी के बाद हमारी क्या है कि रिकवरी होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो नस पे से दबाव हट जाता है और वो हड्डी एकदम हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो डॉक्टर सही बैठा देते हैं और नस हमारी ठीक होने के बहुत बढ़िया चांस हो जाते हैं। जैसे कि मेरी 3 सर्जरी हुई, 3 सर्जरी के बाद मैं जाके ठीक हुआ। उस टाइम तो मुझे बहुत दुख लग रहा था कि जब मेरी दूसरी सर्जरी हुई थी, तीसरी सर्जरी हो रही हुई थी ना, तो मुझे बहुत दुख लग रहा था। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि यार वो अच्छा हुआ कि मेरी दूसरी सर्जरी हुई थी और तीसरी सर्जरी हुई थी। अगर वो ना होती तो आज शायद मैं चल नहीं पाता, क्योंकि पहली सर्जरी के बाद मेरी रिकवरी बहुत लो थी, वाकर पकड़ के मैं बहुत मुश्किल से चल पाता था। लेकिन दूसरी सर्जरी के बाद, तीसरी सर्जरी के बाद मैं मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हुई और मैं ठीक हुआ यार। इसमें भी यार भगवान की क्या है, माया है, भगवान ही जाने। और भाइयों मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि यार कमेंट करो, अपना फ़ोन पे नंबर, अपना पेटीएम नंबर डालो, जिससे कि यार मैं कुछ हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और यार यही रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई जिस भाई की कंडीशन सही ना हो वो भाई अपना पेटीएम नंबर, फ़ोन पर नंबर कमेंट में डाल दे। थैंक यू भाई, आप लोगों ने